अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स के इलाकों का किया पैदल दौरा, आवाम से मुलाकात, मसाइल से वाकिफियत। टीआरएस पार्टी साल 2029 तक भी इख्तदार में रहेगी, कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनकीद, रियासी वज़ीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने किया दावा। चंचलगुड़ा में नौमलूद लड़का बेयार मददगार दस्तियाब, मुतालिका पुलिस ने नौमलूद को नीलोफर मुंतकिल करते हुए केस किया दर्ज। रचाकुंडा कमिश्नरेट में जारिया साल जरायम की शराह में कमी, कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा की सालाना मीडिया कॉन्फ्रेंस। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स ने राइस पुलिंग गैंग का पर्दा किया फाश, चार अराकीन गिरफ्तार, 34,19,000 नकद रकम और दीगर अशिया की गई बरामद। अब खबरें तफसील से। खायद मुखन्ना कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात की सुबह फलकनुमा जूनियर कॉलेज के अलावा बारकस में वाक़े गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल और दीगर इलाकों का पैदल दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। खायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के हमरा मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। खायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने तय खुन दिया कि स्कूल को बहुत जल्द तौसी करते हुए जूनियर कॉलेज का भी आगाज किया जाएगा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने सुबह 11 ता 2 बजे मस्कुरा इलाके जात का दौरा किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के खायदीन मुतालिका हल्के जात में पैदल दौरा करते हुए अवामी सहूलियात को यकीनी बना रहे हैं। इस सिलसिले के तहत खायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने सपहर जुमेरात को ललिता बाग डिवीजन के मुख्तलिफ इलाके जात में पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और मसाइल से वाकफियत की हासिल की। कायद मजलिस ने आवाम को तय खुन दिया कि तमाम मसाइल की जल्द अज जल्द यकसोई करते हुए आवाम को सहूलत पहुँचाई जाएगी। इस मौके पर कायद मजलिस के हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के अलावा बल्दी बरखी और आबरसानी के अहदेदारान भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने मुख्तलिफ डिवीजन्स में मुनक़िदा सालार मिल्लत हेल्थ कैंप्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। तफसीलात के मुताबिक कमल नगर चादरघाट के अलावा सालार मिल्लत कम्युनिटी हॉल वाक़े ओल्ड मलकपेट के अलावा आज़मपुरे में सालार मिल्लत हेल्थ कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया गया, जिससे हज़ारों अफराद ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ रहे कि हल्के मलकपेट में खुसूसी तौर पर मरहूम सालार मिल्लत के नाम से कई एक स्कीमात का आगाज किया गया है। मिल्लत फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप का कैंप अमल में आया है। आज़मपुरा और छावनी डिवीज़न और अकबरबाग और ओल्ड मलकपेट में मेडिकल कैंप किया गया है। इस मौके पर जो सो जनाब अहमद बलाला ने खुसूसी तवज्जो से यहाँ पर मेडिकल कैंप अमल में आया है और जो जीएसएस के ज़रिए जेएसएस के ज़रिए 30 सर्टिफिकेट जो है सो आज डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, जो कि सिलवई
सिलवाई सीखकर ये पूरी मुकम्मल करने पर इनको सर्टिफिकेट जो है सो आज डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से जनाब अहमद बलाला ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। शुक्रिया एमएलए सर, यहाँ का एमएलए सर और शफी कॉर्पोरेटर, यहाँ का कॉर्पोरेटर सर ने इनके हाथों से यहाँ फ्री मेडिकल कैंप वयोजन विद्या अडल्ट एडुकेशन डिपार्टमेंट के कंट्रोल में ये मेडिकल फ्री कैंपेन रखा हुआ है। इनके हाथ से ये सर आके ये प्रोग्राम को शुरू करें, इसका मैं बहुत खुशी की बात है। ये अडल्ट एडुकेशन बोले तो 15 प्लस एज ग्रुप वालों का हम रखे हैं, ये उन लोगों को फ्री एजुकेशन देते वॉलंटियर्स के जरिए। ये पूरा टीचिंग लर्निंग मटेरियल पूरा रियासती वजीर आबपाशी और मार्केटिंग हरीश राव ने अपने महकमे के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया और कहा कि गोदामों के इस्तेमाल और मार्केटिंग शोबे में रियासत तेलंगाना मुल्क भर में नंबर वन रियासत बन चुकी है, जबकि मार्केटिंग शोबे में ज़िले निज़ामबाद रियासत में सरह फहरिस्त है। उन्होंने बताया कि मिशन काकतिया और मिशन भगीरथा प्रोग्रामों की मुल्क के कई रियासतों की जानिब से सताइश की जा रही है। रियासी वजीर आबपाशी मार्केटिंग हरीश राव ने अपने महकमे के अदारों के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया और बताया कि गोदामों के इस्तेमाल और मार्केटिंग शोबे में रियासत तेलंगाना मुल्क भर में नंबर वन रियासत है। मार्केटिंग शोबे में जिले निज़ामाबाद रियासत में अव्वल नंबर पर है। उन्होंने बताया कि नई रियासत तेलंगाना हर शोबे हयात में मुल्क की दीगर रियासतों में मिसाली और मुनफरिद बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि चाहे ई बिजनेस का मामला हो या मिशन भागीरथा का या फिर मिशन काकतिया या फिर 24 घंटे बरकी सरबराही का मामला हो, हर शोबे हयात में रियासत आगे है। उन्होंने कहा कि दीगर वेलफेयर स्कीमात को बिरोम लाने के सिलसिले में तेलंगाना एक मिसाली रियासत बनी है। सीनियर तेलंगाना तेलुगुदेशम खायद एम नरसिम्लु की भूख हड़ताल को जुमेरात के रोज़ उस वक्त नाकाम बना दिया गया जब उन्होंने टैंक बॉन्ड के करीब तेलुगुदेशम खायदीन और कारकुनों के साथ भूख हड़ताल का आगाज किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। एम नरसिम्लु ने कबल अजी मीडिया से बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मंदा कृष्णा मादिगा पर दर्ज मुकदमात से दस्तबरदारी। सीनियर तेलंगाना तेलुगुदेशम खायद एम नरसिम्लु की भूख हड़ताल को जुमेरात को उस वक्त नाकाम बना दिया गया जब उन्होंने टैंक बैंड के करीब तेलुगुदेशम कायदीन और कारकुनों के साथ भूख हड़ताल का आगाज करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन रवाना कर दिया। टीडीपी खायद एम नरसिम्लु ने खबलती मीडिया से बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वह मंदा कृष्णा मादिगा पर दर्ज मुकदमा से दस्तबरदारी अख्तियार करे और ABCD जुमरे के मसले पर वज़ीर आज़म से नुमाइंदगी करने के लिए कुल जमाती वफद दिल्ली ले जाए। उन्होंने वज़ीर आला पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने दिल्ली का कई मरतबा दौरा तो किया है, लेकिन ABCD जुमरे के मसले पर कोई नुमाइंदगी नहीं की गई है। रियासती वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस तेलंगाना में 2019 में तो क्या 2029 के इंतखाबात में भी बरसर इख्तदार नहीं आ सकती, क्योंकि मुल्क और रियासत की आवाम कांग्रेस को ख़त्म करो और मुल्क को बचाओ की मुहिम में सरगर्म है। उन्होंने अपोजिशन की जानिब से उनकी डॉक्टर की डिग्री बोगस होने के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ दीवाने लोग ही इस तरह की बातें कर सकते हैं, क्योंकि उनकी डिग्री के बोगस होने के इल्ज़ाम में कोई सच्चाई नहीं है। रियासती वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि कांग्रेस तेलंगाना में साल 2019 में तो क्या 2029 के इंतखाबात में भी बरसर इख्तदार नहीं आ सकती, क्योंकि मुल्क और रियासत की अवाम कांग्रेस को ख़त्म करो और मुल्क को बचाओ की मुहिम में सरगर्म है। उन्होंने कांग्रेस कायदीन की जानिब से गुजरात असम्बली इंतखाबात में 80 नशिस्तें हासिल करने पर जो मसरत का इजहार किया जा रहा है उस पर तबसरा करते हुए कहा कि 22 साल के बाद भी कांग्रेस को इख्तदार हासिल नहीं हुआ और सिर्फ 80 नशिस्तें हासिल हुई हैं, इस पर मसरत का इजहार किया जाना अहमकाना बात है। उन्होंने अपोजिशन की जानिब से उनकी डॉक्टर की डिग्री बोगस होने के इल्ज़ाम को मुस्तरद किया और बताया कि डिग्री के बोगस होने के इल्ज़ाम में कोई सच्चाई नहीं है।
2019 में नहीं 29 में भी नए थे वो लोग, वो लोग खत्म हो गए तेलंगाना में, जैसा तमिलनाडु में हो गए वैसा यही होता। और ये लोग क्या बोल रहे, पंजाब गुजरात में 80 सीट आया बोल कर, वो क्या बोलना उसको, सिकु पड़ा ले वाले शर्म आना वो लोगों को। अरे 22 ईयर्स के बाद अब 80 आए तो वो अच्छा है क्या? एंटी गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत रहता उसमें, 22 ईयर के बाद भी बीजेपी जीता बोल तो अब शर्म होना से। और हिमाचल में क्या हुआ वो नहीं बोल ले रहे। अपोजिशन लीडर खानसास कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने 2G स्कैम जो यूपीए दौर इख्तदार में सामने आया था उसमें उस वक्त के मरकजी वजीर टेलीकॉम राजा और डीएमके के रुकने पार्लियामान पर करोड़ों रुपये की बदउनवानी के इल्जामात लगाए गए थे, तहम मस्कुरा दोनों कायदीन को अदालत की जानिब से क्लीन चिट दिए जाने का खैर मकदम करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कहा कि अगर उनमें हिम्मत हो तो वो कौमी सदर बीजेपी अमित शाह के फर्जंद पर लगाए गए बदउनवानी के इल्जामात की सीबीआई तहकीकात करवाए। अपोजिशन कायद खानसास कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए 2G स्कैम में जो यूपीए दौर इख्तदार में सामने आया था उन्होंने बताया कि उसमें उस वक्त के मरकजी टेलीकॉम राजा और डीएम के रुकने पार्लियामान पर करोड़ों रुपए की बदउनवानी के इल्जामात लगाए गए थे, लेकिन मस्कुरा कायदीन को अदालत की जानिब से क्लीन चिट दे दी गई है। उन्होंने मस्कुरा क्लीन चिट का खैर मकदम करते हुए बताया कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने अपोजिशन खासकर बीजेपी और आरएसएस की जानिब से किए गए मतालबे को देखते हुए 2G स्कैम की सीबीआई तहकीकात की हिदायत दी थी। मौलवी शब्बीर ने कहा कि मुल्क के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से वो सवाल करते हैं कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो कौमी बीजेपी सदर अमित शाह के फर्जंद जो एयरक्राफ्ट मामले में करोड़ों रुपये की बदउनवानी में मुलव्वस हैं उसकी सीबीआई तहकीकात की हिदायत जारी करें। ఇవాళ నేను ప్రధానమంత్రికి అడుగుతున్నాను, ఈ రోడ్ నుంచి నీ నోట్లో నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ దోసుకున్నది కాదు, కాంగ్రెస్ పార్టీ అభివృద్ధి చేసింది అని అభివృద్ధి పేరు రావాలా? ఒకవేళ దోసుకున్నది అంటే నీ మీద వచ్చిన ఆరోపణలు, అమిత్ షా కొడుకు రాఫెల్ అలాగే విజయ్ మాల్యా గారికి లండన్కు పంపించడం, దాంతో సహా అదానీ అండ్ ముఖేష్ అంబానీ మీద వచ్చిన ఆరోపణల మీద బహిరంగ సిబిఐ ఇన్క్వైరీ లేకుంటే జ్యుడిషియల్ ఇన్క్వైరీ అయ్యి నిరూపించుకో నా హయాంలో కరప్షన్ లేదని. మొన్న గుజరాత్ ఎలక్షన్లో గుజరాత్ మోడల్ పోయింది, వికాస్ మోడల్ పోయింది, సెంటిమెంట్ వచ్చింది, అహ్మద్ పటేల్ ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు మీరు ఓట్లేస్తే, పాకిస్తాన్తో సంబంధాలు ఉన్నాయి. ऑलवेन कॉलोनी कोकटपल्ली में पेश आए एक हादसे में आतिशजदगी की वजह से कुछ अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक ऑलवेन कॉलोनी में वाक़े एक मकान पर हाई टेंशन वायर गिरने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ जिसके बाद आग भड़क उठी। छत पर मौजूद अफराद इस हादसे में झुलस गए जिन्हें बग़र्ज इलाज दवाखाना मुंतकिल किया गया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड्स ने मुकाम हादसे पर पहुँच कर आग पर काबू पाया। कोकटपल्ली पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और जाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी जबकि सीसीटीवी फुटेज भी हासिल किए गए हैं। मूसा रामबाग मलकपेट में वाक़े एक वाइन शॉप पर नामालूम अफराद की जानिब से पत्थरबाजी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक चेतनियापुरी कॉरपोरेटर विट्ठल रेड्डी की वाइन शॉप पर पत्थर फेंकते हुए नामालूम अफराद फरार हो गए। इस सिलसिले में विट्ठल रेड्डी ने मुतालिका पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई है। विट्ठल रेड्डी के मुताबिक इजाज़तनामा लेने के बाद ही उन्होंने वाइन शॉप कुशादा की थी, ताहम कुछ लोग जो उनसे कारोबारी रखावत रखते हैं उन्होंने मस्कुरा हरकत की है। चंचलगुड़े में वाक़े एक फंक्शन हॉल के करीब कॉटन में लिपटा हुआ एक नोमलूद लड़का बेयार और मददगार पाया गया जिसको देखने के बाद जारूकशों ने फौरी पुलिस को मुतल्ला किया।
दबिलपुरा पुलिस ने फौरी मुकाम वाक़े पर पहुँच कर नौमलूद को नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया और शरीक दवाखाना करवाया गया। दबिलपुरा पुलिस ने बाद अजां इस केस को मस्कुरा हदूद की वजह से रैन बाजार पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। सर्कल इंस्पेक्टर दबिलपुरा डी वेंकैया नायक ने बाद अजां मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई। 11 को एक फोन आया था, बागा जयरा कने सिटी फंक्शन हॉल के बाजू एक कचरा कुंडी कने फुटपाथ पे एक बच्चे को एक कार्टून बॉक्स में बच्चे को जिंदा बच्चे को रख दे के चले गए। वो फोन आया तो हम इमीडिएट रशअप हुए, जाके देखे तो बच्चा जिंदा ही था। इमीडिएट हमारा वुमन पीसीस और एसआई को देखे, वो बच्चे को हमारा गाड़ी में नीलोफर हॉस्पिटल को शिफ्ट करे। वहाँ उसके बाद हम रेन बाजार पीएस को इतला करे, वो लोग केस रजिस्टर करे और कोई देखते इन्वेस्टिगेशन में कोई हुआ तो उनको अरेस्ट भी करें। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। वजीर बल्दी नज़्म नफ्स के टी रामा राव ने वजीर फाइनांस ई राजेंद्र के हमराह जीएचएमसी अहदेदारों के साथ एक जायज़ इजलास मुनक़िद किया, जिसमें ज़राए के मुताबिक शाहराओं की तामीर, फ्लाईओवर ब्रिजेस की तामीरी कामों और दीगर अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया और अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें भी जारी की गईं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हलके कारवान कौसर मुहियुद्दीन ने पैरामाउंट कॉलोनी वाक़े टोली चौकी में लजीज बिरयानी हाउस होटल का रस्म इफ्तिताह अंजाम दिया। प्रोपराइटर मोहम्मद शफीउद्दीन ने इस मौके पर मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया। मोहम्मद शफीउद्दीन के मुताबिक मस्कुरा होटल में चिकन बिरयानी और कलियानी बिरयानी मारूफ बावर्चियों की निगरानी में तैयार की जा रही है। चिकन और कलियानी की खसूसियत के साथ इस होटल को कुशादा किया गया है। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम ने राइस पोलिंग गैंग के 4 अराकीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 39,19,000 रुपये नकद रकम के अलावा एक इनोवा कार व दीगर अशिया जब्त कर ली। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वी श्रीनिवास राव ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि मस्कुरा धोखेबाजों की गैंग मासूम आवाम को जादुई तरीके से चावल बरामद करने का धोखा देते हुए ठग लिया करते थे। गिरफ्तार शुदगान में 38 साल वी इंजीनियलू मुतवतीन जिले प्रकाशम, 40 साल मोहम्मद फजलुद्दीन साकिन जिड़मेटला, 41 साल टी बाबू साकिन गौलीगुड़ा और 52 साल एस बाबूराव साकिन वनस्थलीपुरम शामिल हैं। प्रमुख है एक वेमा अंजनेलू, इन्हों लीड करता है टीम को। इनके साथ एक बाबूराव जो एनआईटी से पढ़ा और एनआईटी से एमटेक किया था इन्होंने, इन दोनों के साथ साथ एक फजलुद्दीन और बबलू करके और दो अक्यूज्ड हैं। ये चारों क्या करते हैं, इन्हों जो भी इनका सुनने के लिए तैयार है, इनका मानने के लिए तैयार है, उस तरह के लोगों को, इनोसेंट लोगों को पकड़ के उनको सुनाते कि इस तरह के लोटा अपने पास रखने से बहुत शक्ति मिलते, मतलब जिससे आप धनवान हो सकते, आप बहुत बलवान हो सकते, आपके पास सब कुछ आ जाता। और ये भी बोलते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय विपणी में जो है मार्केट में इनका करोड़ों में इनका कीमत होता है करके उनको बोलते। जब उन लोग मान के इनको खरीदने चाहते हैं, उनको इनका पैसे लेते हुए इनको दे देते हैं। इनको मतलब इस पे भरोसा आने के लिए कोई डेमोस दिखाते, व्हाट्सएप में डेमोस दिखाएंगे, कई चीटिंग टाइप के डेमोस, ये राइस पुलिंग करेगा करके उस तरह का कोई डेमोस, लोग चीटिंग तरह के डेमोस उनको दिखा के उनका भरोसा पा के तब इनसे पैसे लेते। बाद में इस केस, दो केसेस थे हमारे, एक बोनपली के एक केस है और एक महाकाली के। बोनपली के केस में तकरीबन
20 लाख रुपए एक विष्णुमूर्ति करके है कंप्लेंट, इनो और इनके साथ साथ जो काम करते हैं कैब ड्राइवर है, इनके इनके साथ काम करने वाले और 4 कैब ड्राइवर्स है, इन 5 लोगों से इन्होंने 20 लाख के करीब ले लिए धोखा से। और दूसरा केस मांगकाली का है जिसमें एक ही कंप्लेंट है, वो रियल एस्टेट में है, वो तमिशेट्टी रमेश करके, इनसे तकरीबन 33 लाख रुपये ले लिए धोखा से ले लिए। अब इस केस में हम 34 लाख के ज़्यादा इनसे ज़्यादा कैश का 34 लाख से ज़्यादा कैश, एक इनोवा कार, 3 लोटे ये राइस पुलिंग वाले बाउल्स और 8 सेल फोन्स रिकवर किए थे हमारा टीम। राधा किशन राव साहब एसपी साहब है डीसीपी टास्क फोर्स, इनका टीम में नागेश्वर राव साहब है इंस्पेक्टर, इनके एसआई श्रवण कुमार, चंद्रशेखर रेड्डी, रवि और श्रीकांत और बाकी लोग, इन्होंने बहुत अच्छा काम किए, इनके बहुत अच्छे रिवार्ड्स भी लिखे जाएंगे इनके लिए। और आम जनता से विज्ञप्ति है, सिविलियन से, जो भी आपके पास आके जब ऐसा बताएगा इस तरह के अतीन्द्रिय शक्ति या मानवातीत शक्तियों के बारे में या राइस पुलिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे तो तुरंत हमको खबर कर दीजिए, हम जो भी कार्रवाई होना है वो कार्रवाई करेंगे, जो भी कदम उठाना है उनका कार्रवाई कराया जाएगा। और आप इस तरह के चीटिंग में आप मत जाइए, धोखा मत खाइए, ऐसा हमारा विज्ञापन है सबसे। थैंक यू। अमेरिका की जानिब से बैतुल मुकद्दस के सिलसिले में लिए गए इश्तियाल अंगेज़ फैसले के ख़िलाफ़ आलम इस्लाम के मुसलमानों में सख्त बेचैनी पाई जाती है। अमेरिकी फैसले की मजम्मत और फ़लस्तीनियों से इजहार गानीगत की खातिर जमेतुल उलमाए तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने 22 दिसंबर बरोज़ जुमा योम दुआ और पुरमन एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान किया है। मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद सदर जमेतुल तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने बताया कि तेलंगाना, आंध्र और रायलसीमा के तमाम अजला बशमुल 339 मंडल्स में जमीयत की जानिब से योम दुआ और पुरमन एहतजाजी मुजाहरे मुनज़िम करते हुए ज़िले कलेक्टर्स और एसपीस को मेमोरेंडम हवाले किए जाएंगे। बात का ऐलान करना चाहते हैं कि कल जुमे के दिन बाद नमाज जुमा योम दुआ मनाएं, दुआ करें और एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें। रियासत में पूरे हिंदुस्तान के अंदर जमीतुल माहिंद ने ऐलान की है तो हर जगह एहतजाज किया जाएगा और दुआ मांगी जाएगी। असल मकसद है कि बैतुल मुकद्दस जो है मुसलमानों के बहुत ही एहतराम की जगह है और मुसलमान जो है ना सारी दुनिया के उसको जो है ना बहुत ही मुकद्दस जगह समझते हैं, क्यों ना समझें, इसलिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस सरज़मीन के अंदर, सहाबा ने जो सवाल किया कि इस सरज़मीन के अंदर पूरी दुनिया पूरे जो है ना मस्जिद सबसे पहले कहाँ कायम हुई, तो आका ने फरमाया कि मस्जिद हराम सबसे पहले जो है ना कायम हुई, उसके बाद आका ने कहा कि बैतुल मुकद्दस कायम हुआ। तो गोया हमारे लिए आका ने फरमाया 2 मस्जिदें जो सबसे पहले कायम हुई हैं, एक मस्जिद हराम और एक मस्जिद जो अक्सा, और सबसे बड़ी बात है कि उस सरज़मीन से हमारे आका ने मेराज किया, इमामत की तमाम जो है ना अम्बिया अलैहिस्सलाम की, फिर जो है ना उन्होंने जो है ना उस वहाँ से मेराज भी किया। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि वो मस्जिद वो है जिसमें अगर जो भी नमाज़ पढ़ेंगे जो है ना उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, जैसा अभी उसने पेट के पेट से पैदा हुआ माँ के पेट से। तो इसीलिए मुसलमाना ने हिंद उसको ये समझते हैं कि ये जो अमेरिका का गाजिबाना कब्ज़ा है, ऐलान है, जबकि सारे ममालिक इसके मुखालिफत में है, लेकिन अमेरिका हुक्म चलाता है कि बोले वो यरूशलम जो है वह उनका जो है राजधानी होगा
और ये वहाँ का सिफारत खाना कायम होगा। ये सरासर जुल्म है और सरासर नाइंसाफ़ी है, इसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं और ये एहतजाज जो है ना मुकामी कलेक्टर को देंगे, जहाँ कलेक्टर नहीं है वहाँ SP को देंगे और ये तमाम लेटर हम अक़वाम मुत्तहिदा को भिजाएंगे और हुकूमत हिंद के पास भी ये लेटर भिजाएंगे और ये कहेंगे, क्योंकि ये मुल्क जो है हमारा मुल्क जो जमहूरी मुल्क जो है चीन के बाद सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, इसकी आवाज़ में इतनी दम है कि बड़े से बड़ा मगरूर भी सर झुका दे सकता, इसलिए हमारी जो है ना हुकूमत हिंद से जो है ना अपील है मुतालिबा है कि अपने आवाज़ को बुलंद करें और अपने आवाज़ को बुलंद करके बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों के जज्बात से वाकिफ कराएं अमेरिका को और वो वापस लें जो उसने जो ऐलान किया वो वापस लें। है पूरे यानी आंध्रा रायलसीमा तेलंगाना में तकरीबन 423 जगह अब तक हमें रिपोर्ट मिला है कि एहतजाज करेंगे, चाहे वो मंडल हो चाहे ज़िले हो चाहे शहर हो वो एहतजाज करेंगे और अभी तक का रिपोर्ट है, हो सकता है कि और बढ़ जाए। तो हमारी गुजारिश है कि हैदराबाद के मुसलमानों के भी जितने मस्जिद हैं वो जो है खुद्दे के अंदर जो तकरीरें जो होती हैं उसमें बैतुल मुक़द्दस की अहमियत को बताएँ और ये दुआ करें। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने जमाल कॉलोनी रियासत नगर में वाक़े ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस में SSC कोचिंग सेंटर का जारिया साल के लिए आगाज़ किया। वाज़ रहे कि हर साल ओवैसी एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से चलाए जा रहे ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस की मुख्तलिफ ब्रांचों पर SSC तलबा और तालिबात के लिए खसूसी कोचिंग का अहतमाम किया जाता है और बेहतरीन मुजाहरा करने वालों को ट्रस्ट की जानिब से इंटरमीडिएट की फ़ीस भी फराहम की जाती है। इस मौके पर ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। कन्वीनर तेलंगाना सियासी JAC प्रोफेसर कोदंडराम ने गिरफ्तार शुदा MRPS खायद मंदा कृष्णा मादिगा से तफसीली मुलाकात की। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर कोदंडराम ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि वो MRPS खायद के खिलाफ दर्ज किए गए तमाम केसेस से दस्तबरदारी हासिल करें। प्रोफेसर कोदंडराम ने बताया कि MRPS कारकुन भारती की मौत के लिए भी हुकूमत ही जिम्मेदार है। मंदा कृष्णा मादिगा की जानिब से किए गए एहतजाज को पुरतशद्दुद एहतजाज करार देने की उन्होंने मजम्मत की और कहा कि शहर में एहतजाज के लिए कोई मखसूस जगह फराहम नहीं की गई है जिससे एहतजाजियों को परेशानी का सामना है। వెంటనే ఎత్తివేయాలని ఇవాళ మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం JAC తరఫు నుంచి। వాస్తవానికి కలెక్టర్ ఆఫీసుల ముందు ధర్నాలు జరుగుతున్న సందర్భంలో హైదరాబాద్ కలెక్టర్లు వద్ద అనవసరమైనటువంటి అధికారుల నుంచి ప్రభుత్వం నుంచి అనవసరమైనటువంటి ఒత్తిళ్లు పెట్టడంతో అక్కడ భారతి అనే స్త్రీ మరణించిన సందర్భంగా అసెంబ్లీలో చర్చ అయ్యి ఆ చర్చ జరిగినప్పుడు ఆ చర్చలో మరి ప్రభుత్వం समस्या परिष्कारानिकि अखिल पक्षान्नि वेंटने ढिल्ली तीसुकेल्तानानि हामी इच्चारु। राजेंद्र नगर पुलिस ने दो सारखीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 3,50,000 रुपये मालियती अशिया बरामद कर ली। DCP शमसाबाद जोन PV पद्मजा के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में 23 साला M जगदीश और 26 साला P नरेश शामिल हैं, जबकि उनके खिलाफ राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में जुमला 5 केसेस दर्ज हैं। बाद अज़ां पुलिस ने गिरफ्तार शुदा सारखीन को अदालती तहवील में दे दिया। रचाकुंडा कमिश्नरेट हदूद में पिछले साल की बनिस्बत जारिया साल जराइम की शरह में कमी वाक़े हुई है। कमिश्नर रचाकुंडा महेश भागवत ने सालाना मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जारिया साल हुए मुख्तलिफ जराइम के अलावा रचाकुंडा पुलिस की जानिब से किए गए कई एक इकदामात का तफसीली तस्करा किया। उन्होंने बताया कि साल 2017 के दौरान रचाकुंडा कमिश्नरेट हदूद के पुलिस स्टेशंस में जुमला 20,487 केसेस दर्ज किए गए, जबकि 6,241 केसेस को लोक अदालत के तहत हल किया गया। जारिया साल रचाकुंडा पुलिस ने दो बैंड रियासती डकैती गैंग्स का भी पर्दा फाश किया है। चाइल्ड मैरिजेस की वस्ते बाल विवाह
18 సంవత్సర కింద అమ్మాయిలు 21 సంవత్సర కింద ఉన్న అబ్బాయిలు అది మ్యారేజ్ చేస్తే అది చైల్డ్ మ్యారేజ్. 2006 చైల్డ్ ప్రొహిబిషన్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ కింద ఇలాంటి చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఎవరు ప్రోత్సహిస్తున్నారు, ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి 2 ఇయర్స్ ఇంప్రిజన్మెంట్, 1 లక్ష రూపాయలు పనిష్మెంట్, అలాంటి పనిష్మెంట్ ఉంది. సో మనము కొన్ని ఎన్జిఓస్తో పార్ట్నర్షిప్ చేసి చైల్డ్ రైట్ ప్రొటెక్షన్ ఫోరం అని చోటుపల్లో ఉన్న ఒక సంస్థ వాళ్ళ వాలంటీర్స్ ముందుకు వచ్చి పోలీసులు ఈ ఎన్జిఓ పార్ట్నర్స్ తర్వాత రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ముగ్గురు కలిసి ఈ చైల్డ్ మ్యారేజెస్ సంబంధి అడ్వాన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. మా సిటీమ్స్ కూడా ఎక్కడెక్కడ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కోసం వెళ్తున్నారు, స్కూల్స్లో కాలేజ్లో తాండాలో ఇటుకాయ వట్టిలో అక్కడ కూడా బాల వివాహాల సంబంధి మాట్లాడుతున్నారు. ఈ 1 ఇయర్ పీరియడ్లో 20 మంది చైల్డ్ మ్యారేజెస్ వీ కుడ్ ప్రివెంట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎఫెక్టివ్ వర్క్ డన్ బై అవర్ టీమ్స్. తర్వాత ఫేక్ విసా, తర్వాత డ్రగ్స్ కేసెస్, గుట్కా, ఫుడ్ అడల్టరేషన్, స్పూరియస్ సీడ్స్, సైబర్ క్రైమ్, ఈ అన్ని కేసెస్ చూస్తే 835 కేసెస్ 1 ఇయర్లో ఈ ఎస్ఓటీ టీమ్ 2 టీమ్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. నవీన్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆయన మల్కాజ్గిరి ఏరియా చూస్తున్నారు, తర్వాత వెంకటేశ్వర్లు ఇన్స్పెక్టర్ ఇక్కడ ఎల్బీనగర్ ఏరియా చూస్తున్నారు. ఈ మధ్యకాలంలో మన ఏసీపీ కుషయ్య కూడా రఫీక్కి ప్రమోషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు అడిషనల్ డీసీపీ ఎస్ఓటీ ఆయనకి ఎంపిక అయింది. ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఈ మంచి పని ఇంకా ముందుకు వాళ్ళు చేస్తున్నారు. रैन बाजार पुलिस ने बावासूख इत्तला पर अमान नगर में एक मुकाम पर धावा करते हुए खुमारबाजी में मसरूफ 3 अफराद को हिरासत में लिया। एसीपी मीर चौक डिवीजन बी आनंद ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि 38 साल शेख इस्माइल साकिन जहरा नगर मीर चौक, 26 साल अब्दुल नवीद साकिन अमान नगर के अलावा 28 साल सैयद अरशद साकिन यसरप नगर याकूतपुरे को गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके कब्जे से 4,200 रुपये नगद रकम के अलावा प्ले कार्ड्स और सेल फोन्स भी जब्त किए गए। ज़रूरी कार्रवाई के बाद गिरफ्तार शुदगान को अदालती तहवील में दे दिया गया। कल हमारा डिवीज़न में मीर चौक डिवीज़न में रैन बाज़ार इंस्पेक्टर और उनका टीम ये रैन बाज़ार पुलिस स्टेशन लिमिट्स में अमन नगर में एक ओपन लैंड में पत्ते खेल रहे हैं, थोड़े जिन्हें पत्ते खेल रहे हैं बोल के इन्फॉर्मेशन आए तो हमारा इंस्पेक्टर उनका टीम राइड करे। अभी ये 3 जनों को कस्टडी में लिए और ये पत्ते, ये सेल फोना, ये 4,020 रुपीज़ भी उनका पोजीशन से सीज करे। और ये लोगों है इस्माइल खान बोल के, अब्दुल नवीद, सैयद अरशद, ये लोगों अपना अपना काम छोड़ के ये ऑटो ड्राइवर्स है, ये लोगों अपना काम छोड़ के फिर ये पत्ता केले से टाइम पे हमारा लोगों अरेस्ट करे। इसकी पहले हमारा मीर चौक डिवीज़न में मुगलपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में, मीर चौक पुलिस स्टेशन लिमिट्स में भी हमारा इंस्पेक्टर्स राइड करके थोड़े जिन्हें की अरेस्ट करे, कोर्ट में भी प्रोड्यूस करे। मेरा रिक्वेस्ट है मीर चौक डिवीज़न में कोसा तो भी प्लेस में ये पत्ते केले सो टाइम पे इंफॉर्मेशन हमारा को दिए तो वो इन्फॉर्मेंट को नाम को हम सीक्रेट रखते और उनको नजराना भी देते, गिफ्ट भी देते। ओके, और ये हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेते, ये पत्ते खेले सो लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेते। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर,
قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے اپنے حلقے کے مختلف ڈویژنز کے علاقوں کا کیا پیدل دورہ، عوام سے ملاقات، مسائل سے واقفیت۔ ٹی آر ایس پارٹی سال 2029 تک بھی اقتدار میں رہے گی، کانگریس پارٹی پر شدید تنقید، ریاستی وزیر صحت لکشما ریڈی نے کیا دعویٰ۔ چنچل گوڑا میں نومولود لڑکا بے یار و مددگار دستیاب، متعلقہ پولیس نے نومولود کو نیلوفر منتقل کرتے ہوئے کیس کیا درج۔ رچکنڈا کمشنریٹ میں جاریہ سال جرائم کی شرح میں کمی، کمشنر پولیس رچکنڈا کی سالانہ میڈیا کانفرنس۔ نارتھ زون ٹاسک فورس نے رائس پولنگ گینگ کا پردہ کیا فاش، 4 اراکین گرفتار، 34,19,000 نقد رقم اور دیگر اشیاء کی گئی برآمد۔ ناظرین روی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں، روی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔